एक बार हम आपको कोटा की तरफ लेके चलते हैं, जहां से भाजपा के प्रत्याशी ओम बिड़ला हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने। लोकसभा चुनाव के परिणाम अब आ चुके हैं और लगातार यहां पर सांसद ओम बिड़ला को लगातार बढ़त मिलती जा रही है। हमारे साथ हैं सांसद ओम बिड़ला, जिनसे सीधी बात करेंगे। सर, ये जो परिणाम आ रहे हैं उनको क्या कहेंगे, किस तरह से लेंगे इनको? ये परिणाम देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिए हैं। जनता का प्यार, स्नेह, भरोसा, आशीर्वाद मुझे मिला है। मेरी कोशिश होगी उनके भरोसे को कायम रखें। जनता ने जिस तरीके से मजबूत सरकार, मजबूत नेतृत्व के रूप में मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल को देखा, जनता चाहती थी कि एक बार मोदी जी को और कार्यकाल दिया जाए, ताकि हम देश को विकास के नए आयाम पर ले जाए, देश को प्रगति के आगे बढ़ा सके। और इसलिए मुझे लगता है कि देश की संपूर्ण जनता ने इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट होने के बाद में राजस्थान में जो बीजेपी का मैंडिडेट बनता जा रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? राजस्थान की सरकार ने छल कपट के आधार पर, झूठे वादों के आधार पर, और 125 दिनों में राजस्थान सरकार के झूठे वादे राजस्थान की जनता ने देख लिए, और इसका ही परिणाम है कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें हैं। इनकी सरकार थी, सरकार में झूठे वादे किए, झूठे वादे के आधार पर सरकार तो बनाई, लेकिन जनता स्वाभिमानी है, राजस्थान की जनता स्वाभिमान है, और उन्होंने बता दिया कि झूठे वादे और फ्रेप से एक बार तो वोट ले सकते हो, लेकिन इतनी बुरी तरीके से पराजित किया कि जिंदगी में कभी झूठे वादे नहीं। ये थे हमारे साथ सांसद ओम बिड़ला, जिनका साफ तौर पर कहना था कि कहीं ना कहीं बीजेपी को जनता चाहती थी और जो जनता का जो मैंडिडेट है वो भी बीजेपी के साथ है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, A1 के लिए कोटा से।